अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। कौन है ये बार बार फोन कर रहा है? अरे ब्रो, अगर एक ही नंबर से बार बार फोन आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना। व्हाट इफ इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इफ इट्स नॉट? या बट चेक नो वंस इफ इट कम्स अगेन। इफ इट कम्स अगेन या फिर उठाई लेती हूँ। हेलो। हेलो। समझ नहीं आ रहा, इतनी बार फोन काट रही हो, बार बार कॉल किए जा रहे हो, कौन बोल रहे हो तुम? मुझे तो लगा था कि हेलो से तुम मुझे पहचान जाओगी। विक्रांत। हाँ विक्रांत। अब तक तो तू मुझ पर इल्जाम लगाता आ रहा था ना कि मैंने तुझे मारने की साजिश की है, लेकिन अब अगर तू मेरे और लक्ष्मी के बीच में आया तो तुझे मारने से मैं हटूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। How dare you? हिम्मत कैसे है मुझे फोन करने की? एक तो मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की तुमने और मुझे फोन कर रहे हो। हिम्मत कैसी हो तुम्हारी? आज सुबह तुम्हारी जान ले लूंगी मैं विक्रांत। मेरे सामने भी आ गए ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा तो तुम ही पीछे मुड़ जाओ। टर्न अराउंड। व्हाट? टर्न अराउंड मतलब? पीछे मुड़ो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हो मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की तुमने, तो मैं जान से मार डालूंगी आज सुबह, जितना नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा। हो गया? छोड़ो मेरा हाथ। अभी यहाँ पर ज्यादा सीन मत क्रिएट करो, तुम्हारे भले की बात करने के लिए। अच्छा, मेरे भले की बात करने आयो? जितना नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें आज सुबह। वो सब बातें बाद में कर लेंगे, सुन तो लो क्या कहने के लिए आयो। ये सही कह रहा है तो देख। क्या सही कह रहा है? हाँ तो सब देखना, मैं क्या करूँ? अगर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो तू फंस जाएगी, शायद तेरी शादी भी रुक जाए। सही कह रही है, सुन लो इसकी बात, विश्वास करो मेरा, भले की बात करने आऊं, भले की बात सुन लो। विश्वास करे तुम्हारा, भले की बात करोगे तुम मुझसे करोगे। मरिश्का, मरिश्का, बस, 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 बस। हम देखते कितना विश्वास कर सकते हैं। चल चले, चलते, बताती हूँ तुझे मैं, इसको तो मैं बताती हूँ और ये भी साथ लेके जाऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। ऋषि को कैद किया था ना तुमने, तो कैद रहने देते ना उसे, नहीं निकलता वो बच के बाहर। अगर तुम उसे मारने की कोशिश नहीं करते ना तो ऋषि तुम्हें एक्सपोज नहीं करता, तुम्हारी शादी हो गई होती लक्ष्मी से। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी डायलॉग बाजी से फुर्सत नहीं थी कि नहीं विक्रांत कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। क्या हो गया? विक्रांत तो हार गया और मर भी गया। रुक के ट्यू, देखो खुद को कैसे छुप छुप के घूमना पड़ रहा है ना। तो तुमने विक्रांत को तो मार ही दिया और आए पड़े मेरे ऋषि की जान लेने की कोशिश की ना तुमने। पुलिस को फोन करती हूँ, फोन दे। नहीं, शांत हो जा प्लीज, शांत हो जा। और ये तेरे फायदे की बात करे, एक बार सुन तो ले की बात। अरे कोई फायदा नहीं कराएगा ये छोटा एक नंबर का, और क्या काम हो जाओ वहाँ? तुझे बताया था ना मैंने कि यही है वो जिसने मेरे ऋषि की जान लेने की कोशिश की। शट अप। मेरा ऋषि, मेरा ऋषि, मेरा ऋषि हो गया क्या तुम्हारा? ऋषि कहाँ है तुम्हारा? ऋषि हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ। बट मुझसे बात की बात है, तुम ये बोलो कि तुम क्या कह रहे थे, क्या फायदा, कैसा फायदा, क्या बोल क्या रहे थे तुम? हाँ वैसे तुमसे ज्यादा समझदार लग रही है। खैर है कौन ये? सोनल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो खुद की जान दे देगी लेकिन मुझे धोखा कभी नहीं देगी, स्पाइन है इसकी। हाँ बस इतना इंट्रो काफी है, पर तुम ये बताओ तुम क्या कह रहे थे विक्रांत, बोलो। इसकी और ऋषि की शादी। गुड जोक विक्रांत। तुम मेरी और ऋषि की शादी कराओगे? तुम फॉर योर इन्फॉर्मेशन
मेरी और ऋषि की शादी तो ऑलरेडी हो ही रही है, और तुम क्या मेरी शादी कराओगे विक्रांत? जो खुद की शादी नहीं करा पाए नहीं ना, और तुम मेरी शादी कराओगे? वैसे करा सकता था, मौका था इसके पास, तब करा सकते थे। अगर तुम लक्ष्मी से शादी कर लेते ना, तो आज मैं दुल्हन बनी बैठी होती, ऋषि की बीवी होती। लेकिन नहीं, तुम पे भरोसा करके मैंने अपना सिर्फ नुकसान कराया, और अब तुम मेरे फायदे की बात कर रहे हो। Get lost, कुछ नहीं करा पाओगे तुम्हें क्या? अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले एक जरूरत वाली बात तो बता दूं तुम्हें, जिसका शायद तुम्हें अंदाजा तो होगा लेकिन कंफर्म मैं कर देता हूँ। ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। चुप, 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 शट अप। आई नो, मैं जानती हूँ कि अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रही हो ना तुम यहाँ ये सब बोल के, बट इट्स पॉइंटलेस। दोबारा ये सब मत बोलना, तुम पे विश्वास नहीं करती हूँ मैं, समझो तुम। तुम मत करो, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मुंह बंद कराने से सच छुप नहीं जाएगा। शट अप, आई सेड। मेरा ऋषि किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और बेइंतहा मोहब्बत करता है मुझसे, समझो तुम। और अगर दोबारा ये सब अपने मुंह से निकाला ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझो तुम। और जो काम ऋषि नहीं कर पाया ना, वो काम मैं करूंगी, तुम्हें जीने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी, समझ लेना तुम। Bloody nonsense. गोल्डन चांस गवा रही हो तुम, ध्यान रखना, आउट। जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी। अनुष्का, ये क्या किया तूने? वो तो तेरी फायदे की बात कर रहा था, उसका तो हेल्प ले सकते थे, ऋषि को अपना बना सकते। कोई फायदा नहीं करा सकता, ये हमारा समझ आई तुझे? क्या कराएगा ये? जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, वो मेरी मदद क्या करेगा? और तू ज्यादा इसकी साइड मत ले, समझी तू? मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, अभी तू भी चल। अरे एक बार चल। अरे पर चल। अरे एक बार मैंने बोला ना। फाइन, कौन समझाए तुझे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है रणबीर, क्या सोच रहे? घर जमाई बन के रहने का इरादा है? ये घर इतना पसंद आ गया तुम्हें? पल्लवी जी, माफ करना आपसे मैं सवाल बार बार कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कुछ छुपा रहे क्या मुझसे? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। I mean, कोई बताने लायक बात ही नहीं है सच में। क्या हुआ? आप लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो पल्लवी आंटी कह रही थी रणबीर से कि वो घर चला जाए उनके साथ। मुझे लगता है प्राची चाहती है कि मैं घर चला जाऊं। है ना? तुम जवाब नहीं दे रही हो, इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं घर चला जाऊं, है ना? जवाब? हाँ, मे भी मेरा जवाब भी यही है। तुम चले जाओ। प्राची, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? तुम क्यों चाहती हो कि वो चला जाए? मतलब रणबीर अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो अलग बात है, और जैसे लग रहा है कि पल्लवी जी भी रणबीर को अपने साथ घर लेके जाना चाह रही है, शायद वो किसी बात से नाराज है। तुम भी ऐसे कह रही हो, किसी बात से नाराज है क्या? क्या प्रॉब्लम है? अगर एक प्रॉब्लम होती तो मैं बताता आपको, प्राची को तो मुझसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए चाहते हैं कि मैं घर चला जाऊं। मैं नहीं चाहती, और लोग भी चाहते। हाँ, तुम और अक्षय चाहते हैं ना? नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी की बात कर रही हूँ। किसी की बात नहीं मानो तो ठीक है, मम्मी की बात तो माननी चाहिए ना। You should listen to her. I think. मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। आंटी, मैं प्राची को थोड़ी देर के लिए ले जाऊं? हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आई।
पल्लवी जी आप ये सब छोड़िए, आइए मेरे साथ, मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिला दूं। हाँ हाँ चलिए। आराम दे आना। ओके हाँ। कौन, ये सब क्या हो रहा है? अब रणबीर चला जाएगा, मैं उसे कैसे रोकूं? आज तो डेफिनेटली उसे रोकना है, बिकॉज आज मुझे उसे प्रपोज करना है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि आई रियली लाइक हिम, बट मैं कैसे रोकूं? मैं रोकूंगी तो बहुत अजीब लगेगा, क्या करूं कि आज रात वो यहीं रुक जाए, कल उसे जाना तो भले ही चला जाए। हाँ प्राची भाभी को बोलती हूँ। रणबीर और प्राची भाभी लड़ते रहते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बोलेंगी तो वो रुक जाएगा, डेफिनेटली रुक जाएगा। उनसे ही पूछती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये यहाँ कैसे आ गया? तुम एक काम करो, सीधा आओ और सेकंड लेफ्ट में ध्यान से, कहीं और मत चले जाना, समझे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे? मेरा घर है ये, अगर कोई तुम्हें देख लेता, कोई तुमसे सवाल जवाब करता तो क्या बोलते तुम? कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बोलते? बोल देता कि खो गया था, एड्रेस ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अरे भाई मैं डिटेक्टिव हूँ और मेरे पास बहुत सारे रीजन होते हैं। अरे सब ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि तुम एक दिन रुक नहीं सकते थे? ऐसा क्या परेशान कर रहा था जो तुम? ठीक है, आपने रणबीर के बारे में पूछा था ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये एनवेलप खोल के देखिए, फिर सब समझ में आ जाएगा। देखिए, तुम इसके साथ शॉपिंग नहीं जाओगे। कहते हैं ना कि सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होती, सही कहते, क्योंकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। सही था मैं, बिल्कुल सही था। उस रणबीर की गंदी नजर है मेरी पत्नी पर, उसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि प्राची ने मूव ऑन कैसे कर ली, उसने मुझसे शादी कैसे कर ली, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो। लेकिन रिया, हो सकता है कि रिया रणबीर की दूसरी पत्नी हो। लेकिन एक बात तो तय, रणबीर ने पहली शादी प्राची से ही की थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, रणबीर मेका में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे मीका से शादी भी नहीं करनी, लेकिन वो शादी कर रहा है, इस घर का दामाद बन रहा है, क्योंकि वो प्राची के करीब रहना चाहता है, उसे देखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। गॉड, कोई बात नहीं रणबीर, अब मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। पहले तुम मेरे साथ खेल रहे थे क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा क्योंकि मुझे अब सब कुछ पता था। Just wait and watch. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुझे पता है कि किसने मेरी जान लेने की कोशिश की? इसका मतलब तू जानती है, इसीलिए तू कह रही थी कि कोई मेरा दुश्मन है, और मैं कह रही थी कि इस शहर में तो हम नए हैं और मेरा कौन दुश्मन होगा।
अरे दीप, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसको जानती हूँ, मैंने कहा कि शायद, मैंने शायद कहा दी, मैं आई एम नॉट श्योर। मैं तो यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि देखो शायद कौन लग रहा है, मुझे तो बता कौन है जो इस तरह से मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरे आप क्यों स्ट्रेस कर रहे हो दी, मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ श्योर नहीं है, मैं बस ऐसे ही दिमाग लड़ा रही हूँ अपना यार। हाँ ठीक है, तो दिमाग भी मेरे साथ लड़ा सकती है ना, मुझे बता सकती है। इस तरह मुझसे बातें छिपा मत सृष्टि। मैंने आपसे आज तक क्या छिपाया है दी? आपको लगता है कि अगर मुझे नाम पता होता तो मैं आपको बताती नहीं? कैसी बात कर रहे हो दी? आपकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने, मैं क्यों आप मुझे सही में नहीं पता कि आई एम वेरी सॉरी, वो मेरे मुंह से दिमाग से ऐसे निकल। सृष्टि तुम मुझे नहीं बताना चाहती? ऐसी बात नहीं है दी, मैं कितना भी बोलूंगी तो सच नहीं बोलेगी। मैं पर क्यों तुम मुझे नहीं बताना चाहती, ऐसी क्या बात है? क्या नाम है तेरे दिमाग में, मुझे क्यों नहीं बता रही है? देख तुझे मेरी कसम, मेरी कसम यार, हर बार आप मुझे कसमें क्यों दिलाते रहते हो यार? आपसे क्या छुपाया मैंने आज तक? अरे मैं कह रही हूं ना कि मुझे कुछ लोगों पे शक है, शक है, शक। और आपको तो मेरा दिमाग पता है ना दी, मैं जो गुनेगार नहीं होता मैं उस पर भी शक करती हूँ, ऐसा तो मेरा दिमाग है। अरे मुझे पहले शक को यकीन में तो बदलने दो दी, जिन लोगों पे मुझे शक है कि वो ऐसा कर सकते हैं, मुझे कन्फर्म तो करने दो कि उनमें से ही कोई है या नहीं। मैं आई स्वयं मैं बता रही हूँ, मैं मुझे जैसे ही पता चलेगा ना मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा थोड़ा जासूसी वाला दिमाग लगाने तो दो दी प्लीज, थोड़ा वक्त तो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस कर, अगर तेरा ये शक यकीन में बदल जाए, यानी कि तुझे कंफर्म हो जाए कि ये काम किसने किया है, तो तू सबसे पहले मुझे बताएगी, कोई भी एक्शन लेने से पहले। ऑफ कोर्स दी, मैं आप ही को बताऊंगी। चल ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। दी जिस डॉक्टर की बात कर रही है, कोई डॉक्टर आपके भेस में दी की जान लेने की कोशिश कर रही थी? मेरा शक यह है कि वो और कोई नहीं, कोई नहीं, वो निधि थी। कितनी बार उसे मना किया कि मेरी फैमिली से दूर रहना, दी से दूर रहना, राजवीर से दूर रहना, लेकिन नहीं, इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। भगवान जी प्लीज मेरी हेल्प करना, मेरा शक निधि पे है, और अगर निधि ही वो लड़की है, वो डॉक्टर है जिसने दी की जान लेने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है जाने का, और उस निधि को सबक सिखाने का। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अब राजीव बैठो, मुझे पता ही नहीं था कि आपको मुझसे कोई काम है, मैं बैग भी लेकर नहीं आया, प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, मुझे सच में कुछ भी पता नहीं। सलील तुमने राजवीर को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? सॉरी सर, वर्चुअली मुझे याद था, बताना था, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गया, और जब मैंने सोचा कि बता दूं, मैंने राजवीर को लुथरा हाउस के बाहर शनाया के साथ देखा। सलील क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो, हैं? क्या है ये सब? क्या सर? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने राजवीर को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया नहीं बताया, तुम ये शनाया का नाम बीच में कहाँ से लेकर आ रहे हो? नहीं, मैंने माना कि सलील ने मुझे शनाया के साथ बाहर देखा, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे? आपको भी तो पता है कि मैं शनाया के साथ आया, हम लोग साथ में एंटर हुए, शनाया ने आपसे बात भी की, हाय हेलो भी की थी। अरे नहीं, तुम बात समझ नहीं रहे हो, जिस तरह से सलील ने बात की है ना कि उसने तुम्हें शनाया के साथ देखा, घर के बाहर देखा, एक साथ देखा, मतलब ये साउंड ऐसा कर रहा था कि जैसे तुम और शनाया, अंडरस्टैंड ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? साउंड कैसा कर रहा था, मतलब आपको क्या लगा? नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे, देखो मुझे जो भी लगा है, लेकिन एक्चुअली में जो तुम्हारे और पलकी के बीच है वही है ना जो हम सबको लगता है, जो एक्चुअली में तुम और पलकी हो ना एक साथ में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या आप बोल रहे हैं।
करण सर का कहने का मतलब है कि तुम्हारे और पलकी के बीच कुछ रिश्ता है। आई मीन तुम दोनों रिलेशनशिप में आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा, ऐसा दिखता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। I like that. पता तुम्हें राजवीर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मैं भी यही सोचा करता था। मुझे भी ऐसे लगता था कि ये सब टाइम वेस्ट की चीज़ें हैं, मतलब प्यार में पड़ना, शादी करना, बिल्कुल यही सोच थी मेरी। और देखो, जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा नफरत किया करता था, उसी से सबसे ज्यादा प्यार किया करता। प्रीता, प्रीता, बहुत नफरत करता था मैं प्रीता से। और देखो देखो, जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार भी प्रीता से ही किया। सबसे ज्यादा नफरत करते थे। क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक्चुअली मैंने आपको जितना समझा, जितना आपको जाना है, आई थिंक आप पहली नज़र में चीज़ों से अक्सर नफरत कर लेते हैं। अब आप देखिए, आपको याद होगा तो आपने मुझसे भी नफरत कर ली थी जब आप पहली बार मिले थे। देखो, अगर तुम अब तक उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अब तक अगर तुम्हें बुरा लग रहा है उस चीज़ के बारे में, तो आई एम रियली सॉरी। मतलब पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अगर अब तक तुम्हें बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। क्या हुआ राजवीर, क्या सोच रहे हो? दिल में कोई तूफान चल रहा है? कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। नहीं। श्योर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। हम बाद में निपटने की मैत्री। हर्ष, हमसे क्या गलती हुई है जो आप हमें सजा दे रहे हैं? अरे, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपको आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर हमारे नाम का अंश है। कितनी बार आपको हम माफ करते चले हर्ष, कितनी बार, दीजिए जवाब। क्यों दे रहे हैं हम धोखा हर्ष, क्यों दे रहे हैं? क्या आज भी
आज भी आपको हमसे बेहतर, हमसे बेहतर वो मेंट्री लगती है। जवाब दीजिए ना हर्ष, जवाब दीजिए, कुछ पूछ रहे हैं हमसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कसम स्वर्णमणि के, हमारे खिलाफ कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। बस आज की रात है, फिर कल की सुबह हमारी होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। तेरा अंत अब तय है झुमकी, खुद को भाग्यशाली समझ, महादेव के त्रिशूल से तेरा अंत होने वाला है। हर हर महादेव। हर हर शंभो। हमारे महाकाल का त्रिशूल धरती से उखाड़ने की हिम्मत कैसे की? ये त्रिशूल मंदिर के बाहर नहीं जाएगा। हमारी आज्ञा सुनाई नहीं दे रही क्या तुम्हें लड़की? रख दे वहीं त्रिशूल को। प्रणाम बाबा, कौन है आप? रक्षक हूँ मैं इस मंदिर का, और इस त्रिशूल के रक्षक है हम। तुझे अपने महादेव का त्रिशूल ले जाने नहीं देंगे, रख दे वहीं पर। बाबा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मैं भी आप ही की तरह महादेव की परम भक्त हूँ। अपने पति और परिवार की जान बचाने के लिए ये त्रिशूल लेने आई हूँ। बस कुछ समय में चांद बाहर निकलने वाला है और फिर हम पूजा शुरू करेंगे हर्ष, और आप पूर्ण रूप में हमारे नाग बन जाएंगे। हमें तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है लड़की। त्रिशूल लौटा दे और चली जाए यहाँ से, वरना जिंदा नहीं बचेगी। की जान नहीं बचा पाई तो वैसे ही जिंदा नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से जाऊंगी तो त्रिशूल को साथ लेकर जाऊंगी, वरना यही मर जाऊंगी। फिर तो तू जरूर मरेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं बताता हूँ, मैं बचाओ बचाओ बचाओ, मैं बताता हूँ। मैं क्या बताने वाली हो रौनक? रौनक बेटा,
क्या बताने वाले थे? यही मॉम कि मैं पागल हूँ, मुझे चेयर पे बैठ के शौक चाहिए, मुझे शौक ही चाहिए। डॉक्टर जी मुझे शौक ही दीजिए ना। साइंस जी आप भी शौक ही दीजिए ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और करते ना, और करते ना। कितना मजा आ रहा है। तुमने रूल तोड़ा है। क्या कहा था मैंने कि मेरे बेटे के इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं आएगा, तुम और तुम्हारी फैमिली इलाज करेगी। फिर ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? इसे खोलिए। मामा मुझे और खेलना है मामा, वो बहुत मजा आ रहा है। बाद में खेलेंगे रौनक, कम आ कम। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही ना। बहुत शौक है ना मेरे बेटे को शौक देने का। चलो अभी तुम्हें छोड़ो, मुझे अक्की चाहिए ना तुम दोनों को। बैठो। ये क्या मजाक है? हटो। सुमित उठ, सुमित उठ, यहाँ हाथों। ये शगुन ये मजाक नहीं है। शगुन कैसे लगता है? शगुन सुमित क्या हुआ? घबरा गई? हाँ लगा डर। इस गलती की इतनी सी सजा नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तुम सब मेरे बेटे को बिना छुए बिना उसके करीब जाए इस टास्क को पूरा करोगे। अब तो इस टास्क को पूरा कर ही नहीं सकते है ना, तो इसके लिए मैंने दूसरी सजा सोच के रखी है। सरप्राइज। तब तक के लिए टाइमर इज ऑन। टिक टॉक टिक टॉक। सिर्फ 12 घंटे हैं। 12 घंटे में ये टास्क खत्म हो जाना चाहिए, वरना तुम सब ना सजा के लिए तैयार हो जाओ। 12 घंटे। तुम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो सुमित, इस टास्क में तो तुम्हारी हार तय है। क्योंकि एक पागल को ठीक करना फिर भी आसान है, लेकिन जो कभी पागल था ही नहीं उसे नॉर्मल प्रूफ करना बहुत मुश्किल। ये सब कैसे होगा? कैसे करेंगे हम बिना उसको छुए बिना उसके करीब जाए? हम रौनक को ठीक कैसे कर सकते हैं? और अगर हम ये टास्क हार गए तो क्या होगा? हमें गुलाम बनाकर बड़ी माँ कितनी भी तकलीफें दे, हम उसे किसी भी तरह सह लेंगे। लेकिन लेकिन अगर उन्होंने हमारे बच्चों को कुछ भी किया तो हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मतलब ये है जो भी इसके सामने आएगा ये उसे छोड़ेगा नहीं ना। खुद चल के देख लीजिए, एक बार उसके मुंह खून लग गया तो उसकी प्यास सिर्फ खून से ही बुझती है। ऐसे में जो सामने आया समझो वो शिकार बना। अपना
शायद दिख नहीं रहा ये। बचाओ, कुछ कर यार। भाई बचाओ ने। ये मेरे काम की एकदम परफेक्ट चीज है, यही तो चाहिए मुझे। हम लोगों से कोई बचा नहीं सकता। टाइम बहुत कम है और दाव पर मेरी फैमिली की खुशियां और इनकी आजादी इनकी जिंदगी लगी है। कैसे जीतूंगी मैं शगुन से इतने कम टाइम में? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ मेरे मौला, दुआ, आपके होते हुए, आपकी दुआओं के होते हुए मुझे क्या हो सकता है? और रवि भाई ने मेरी जान बचाई। तो फिर आ गए दुआ के चमचे। लेकिन इस बार तू दुआ को बचा नहीं पाएगा। रुहान तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? नहीं रुहान रुक जा, मत कर ऐसा मेरे बच्चे। नहीं रुहान, नहीं तुम पागल हो गए हो क्या? रुहान रुक जा, खुदा के लिए रुक जा रुहान। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? लड़ो मत अभी। अरे छोड़ दो उसे, पागल हो गए हो क्या रुहान? रुहान पिस्तौल छोड़ दे बेटा, पिस्तौल छोड़। या खुदा, गोली चल जाएगी रुहान। रुहान मत करो ऐसा, क्या लग गई गोली चल गई तो क्या होगा? हफीज छीनिए और फेंक दीजिए। रुक जाओ, मत लड़ो। अल्लाह रवि भाई, नहीं रुहान, अल्लाह के वास्ते रवि भाई को छोड़ दो। अरे तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़े, मेरे बच्चे।
बच्चे को छोड़ दो खुदा के लिए। दुआ दुआ हाँ, इन्हें रोको, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे। दुआ खुदा के लिए इन्हें रोक दो। हफीज नहीं, रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये, छोड़ो रूहान को। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी, अम्मी, छोड़ो मुझे। अब मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू भी याद रखेगी दुआ। देख लेना, तू देख लेना दुआर। अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत ले जाओ उसे। गुलनाज, दादी अम्मी, दादी अम्मी, संभालिए खुद को, संभालिए। दुआ, ये क्या हो गया? मेरा घर बिखर गया, मेरे बच्चे बिखर गए। दादी अम्मी, संभालिए खुद को। नहीं दुआ, मुझे मत संभालो, मेरी बच्ची। मैं भी तो इन लोगों की तरह ही हो गई हूँ। तुमने शक किया, तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मुझे मुझे माफ कर दे। नहीं दादी अम्मी, ये क्या करें आप? आपको हाथ जोड़ते हुए देखने से पहले खुदा मुझे मौत दे दे। और हालात ही कुछ ऐसे थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप गलत नहीं है। सब कुछ गलत हुआ। मेरा रूहान, जिस पे मुझे इतना फक्र था, मेरा पोता, मेरा चार, वो इस कदर गिर जाएगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती। उसने अपने बड़े भाई पर हमला किया, अपनी भाभी की जान लेनी चाहिए। अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं दादी अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? रूहान गुमराह है दादी अम्मी, उसने गलत जरूर किया, मगर उसे ऐसा करने पे मजबूर किया गया है। उसका सहारा लेके हमारे खानदान को बर्बाद किया गया, और ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ है, बल्कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। क्या होगा दुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? दादी अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब जो होगा सब अच्छा ही होगा। और आप रोना बंद कीजिए ना, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सबको आपकी जरूरत है। और मुझे अल्लाह, मुझे मुझे हैदर और अम्मी के पास जाना है, उन्हें जेल से छुड़वाना है, वरना बहुत देर ना हो जाए। रूहान से तो अब हम सब महफूज हैं, मगर वो गजल अब भी बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं अब कौन सी नई चाल चल रही होगी, वो उसे रोकना बेहद जरूरी है। बस अब किसी तरह मुझे ये बात हैदर को भी बतानी है कि मैंने जो कुछ भी किया इस घर को बचाने के लिए किया, इसके भले के लिए किया। आप फिक्र मत कीजिए हैदर, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता दुआ, तुमने मेरे और मेरी अम्मी के साथ जो किया, क्या मैं कभी भूल नहीं सकता। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है, दिल को जो दे रहा। मोहन कभी राधा के खिलाफ हो ही नहीं सकता, नकल था ना आज है नकल होगा। सौ बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। I'm not afraid to die।
मौसी चची, आखिर आप हमसे क्या बोलना चाहती हैं? राधा, मैं समझती हूँ तुम्हें हमारे परिवार की फिक्र हो रही है, लेकिन ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। हमें हमारे परिवार के साथ साथ मोहन को भी तो छुड़ाना है ना। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मोहन का क्या होगा? अगर हम बाहर गए तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे या तो हमें सीधा मार ही डालेंगे, और हम अपने मोहन जी को बचाने नहीं जा पाएंगे। क्या राधा नहीं मिल रही है? मतलब उसका लास्ट लोकेशन वही था, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वो राधा कहीं नहीं थी। मुझे लगता है हमारे पहुंचने से पहले ना वो राधा घर पे फोन छोड़कर कहीं भाग निकली। वैसे भी बहुत स्मार्ट लड़की है ये। देखो, राधा के तारीफ करने के पैसे नहीं देती मैं तुम्हें। एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। तो भाग गई मतलब अरे लगता है कोई कांड हो गया क्या? हाँ मम्मा, कांड हो गया। छोटा मोटा कांड नहीं, बहुत बड़ा कांड हो गया। राधा त्रिवेदी भवन तो पक्का गई थी लेकिन जेलर को मिली नहीं, और उस चक्कर में उस जेलर ने पूरे त्रिवेदी परिवार को अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी राधा नहीं मिली। सोचो, राधा त्रिवेदी भवन गई थी तो बिटिया पठाई पुट चुने पक्का उस तुलसी से तो मिली होगी ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाग्य बिहारी जी, आखिर ये कैसी बदकिस्मती हमारी, बोलो को मेरे परिवार को लेकर गए और अब कर भी नहीं पाए। राधा प्लीज शांत हो जाओ ना, प्लीज तुम रोना बंद कर दो। देखो, हमें हमारे परिवार को दामिनी से छुड़ाना है, हमें हमारे मोहन को छुड़ाना है। राधा प्लीज रोना बंद कर दो। तुलसी जी, बहुत अच्छा किया आपने जो आपने हमें समय पर रोक लिया। अभी हमें मोहन जी को ढूंढने के तरीके ढूंढने चाहिए। और उससे पहले इस मुसीबत की जड़ को हमें खत्म करना होगा। आपने ना हमेशा हमने अपनी माँ को ही देखा है, पर दुख हमें इस बात का है कि हम अपनी माँ की ज्यादा सेवा नहीं कर पाए। कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है? बेटा, इस घर में और किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। मुझको तो बतला दे, वक्त भी मान है। ले चलो सबको। हम उससे तो पक्का मिली होगी, वही है ना राधा की सबसे बड़ी रिकॉर्ड। उसकी सौतन, उसकी सहेली तुलसी, कहीं राधा मोहन को लेने के लिए यहाँ पर ना आ रही हो, और वो भी तुलसी के साथ। अगर तुलसी यहाँ आ गई ना, और हमने राधा मोहन के साथ इस बार जो किया है ना, वो पक्का हमें जान से मार डालेगी इसके लिए।
क्या करें क्या करें, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है क्या करें मम्मा, क्या करें क्या करें। लोकेशन ट्रेस करती हूँ ना, नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। राधा को पता चल गया है कि मैं उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, उसने तो फोन स्विच ऑफ कर दिया। मम्मा क्या फोन बंद कर दिया, फोन बंद कर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।